नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 1 है, उसका आज हम जो पाठ 11 है जिसका नाम पर्यावरण है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि पर्यावरण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और पर्यावरण हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए और हमें पर्यावरण को कैसे स्वस्थ स्वच्छ बनाए रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम हमारी जो पाठ 11 है उसमें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण, पर्यावरणम कौन सा पाठ है, ये हमारा 11वां पाठ है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें हमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि हमें पर्यावरण की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण का किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया है, एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बना गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु जो है वो बहुत ही विषैली होती जा रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट होती जा रही हैं। वैज्ञानिक के अनुसार वृक्ष एवं वनस्पतियों के प्रभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि भी क्या करती हैं, प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। वृक्षों के रोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तालाब, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हो ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। यानी कि हमारे क्या करें कि मतलब विषैली वायु वगैरह जो है वो भी हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं और जो जल जो है दूषित जो जल है वो नदियों में जा कर के मिल जाता है, वो भी हमारे पर्यावरण को बहुत ही दूषित कर रहा है। और इसके बाद में मतलब उद्यान है, तालाब है, कूप है इत्यादि जो है वो भी हम जो है उनको दूषित कर रहे हैं, तो उनसे भी हमारा जो पर्यावरण है वो भी बहुत ही दूषित हो रहा है। इस हमारे अध्याय जो 11 है उसमें हमारे बताया गया है। देखिए आगे देखते हैं बच्चों, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रकृति ही समेत साम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते यम सर्वान पुष्णादि विविधे प्रकारे तर्पयति च सुख साधने। यानी कि प्रकृति की जो है वो समीक्षा जो है, प्रकृति का जो संरक्षण जो है वो हमारे प्राणों के लिए बहुत ही लाभदायक है और प्राणों की संरक्षण का, प्राणों की रक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हम सर्वान और इस प्रकार सभी जो है विविध प्रकार से जो है इसमें प्रकृति के द्वारा सुख साधनों को जो है वो भोगते हैं, प्राप्त करते हैं। पृथ्वी ही जलम तेजो वायु आकाश चास्य प्रमुखानि तत्वानि। यानी कि प्रकृति के पांच जो तत्व हैं वो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज, ये जो है वो पांच जो है वो क्या है, प्रमुख तत्व है। ठीक है ना, इसके बाद में तान्ये वो मिलित्वा पृथक् त्यक्त्वा वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। और क्या कह रहे हैं कि इनको मिलाकर
करके हमारा जो पर्यावरण है वो अलग अलग तरीके से इनको मिला करके हमारे पर्यावरण की रचना की गई है। आप्रियन्ते परितः समन्तातः लोको अन्येपि पर्यावरणम्। और इसी प्रकार से जो पर्यावरण है वो लोकों में भी विद्यमान है, सभी लोगों में, सभी पूरे संसार में ही जो हमारा पर्यावरण है वो भी सभी जगह जो है वो विद्यमान है। यथा अजात शिशु मात्र गर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुच्छो परिष्कृतः दुप्रदूषण रहितः च पर्यावरणम् स्मभ्यं संसारिकं जीवनं जीवन सुखं षद् द्विविचारं सत्य संकल्पं मांगलिकः सामग्रीश्च प्रददाति, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यथा अजात शिशु, यानी कि जो बिना जन्मा हुआ, जन्म से जो पहले का जो शिशु है, जो माता के जो गर्भ में रहता है, सुरक्षित तिष्ठति तथैव, जिस प्रकार से जो जन्म से पहले का जो शिशु है वो अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से मानव जो है वो पर्यावरण के द्वारा ही सुरक्षित रहता है, या मानव के द्वारा पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए। परस्कृतं च प्रदूषणं रहितं च पर्यावरणं स्मभ्यं संसारिक जीवन सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पं मांगलिक सामग्रीश्च प्रदाति। यानी कि प्रदूषण से जो रहित है पर्यावरण जो है वो सांसारिक जीवन में सुख समृद्धि और सद्विचार और सत्य संकल्प और मांगलिक जो है वो कारणों को, मांगलिक कार्यों को, है ना, मांगलिक वस्तुओं को भी क्या करता है, प्रदान करता है। हमारा जो पर्यावरण है वो मतलब सुख शांति और सद्विचार और सद्विचारों को और सत्य के संकल्प को और मांगलिक सामग्री, मांगलिक वस्तुओं को भी प्रदान करता है। प्रकृति को पे आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। और प्रकृति के कोप से जो आतंक जो होता है वो भी क्या है, वो भी जनों के लिए भी प्रभावदायक है, जनों के लिए भी प्रभावित होता है। जल प्लावने अग्नि भये भूकंपे वात्या चक्रे उल्का पातादि विश्वः संतपतस्यः मानवस्यः एकत्वः मंगलम्। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी, भूकंप, अग्नि शामक और वायु जो चक्र है वो भी, और जो मतलब पूरी पृथ्वी में जो भूचाल आता है उससे भी क्या है, संत सप्तश, इन सभी से जो मानव है वो भी क्या है, वो उससे जो है वो पर्यावरण इनको बचाता है। इनसे मानव जो है क्या होता है, भय होता है, इनसे भयभीत हो जाता है, और पर्यावरण जो है वो इन सभी से मानव को क्या करता है, बचाता है। अतः एव प्रकृति रिस्माभि रक्षणीया। और अतः प्रकृति की जो है वो रक्षा करनी चाहिए। ते च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति। और सभी को जो है वो पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन काले लोक मंगला शशिनः ऋषयो बने निवेशन्ति स्म। प्राचीन काल में लोक यानी संसार में जो है मंगल जो कार्य करने के लिए शशिन ऋषि जो है वो क्या करते थे, वो वन में निवास करते थे, अपनी भजन पूजा के लिए। प्राचीन काल में जो ऋषि थे वो सब जो है वो क्या करते थे, वो वन में निवास करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि यतो ही बने एव सुरक्षितम
पर्यावरणम मुपलभ्यते इष्मः, और इसी से जो है वो वन में सुरक्षित भी रहते थे और पर्यावरण का जो है वो बहुत ही लाभ वो ग्रहण करते थे। बिहंगा कलकुंज तेस्तस्त्र त्रुस्रोत रसायनम ददति, क्या कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो बिहंग हैं, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, वो अपनी जो वाणी से किलोर कर रहे हैं, अपनी वाणी से गुंजायमान कर रहे हैं, और उसको जो है वो ऋषिगण जो है वो स्रोत और ऋषिगण जो है वो उनकी आवाजों को वहां पर सुन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें हमें ये बताया गया है, इस हमारे प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण की जो है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, जल भूमि पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, इन पांच तत्वों से हमारा पर्यावरण बनाया गया है और इनको अलग अलग तरीके से हमें बनाया गया है, और इसमें जो है संसार में जो है वो लोगों के जीवन के लिए पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है, और हमारे जो ऋषिगण जो थे वो जो है वो पर्यावरण के मतलब वनों में जा करके तपस्या इत्यादि करते थे और पर्यावरण के जो है उसका लाभ लेते थे, और जो वहाँ पर पक्षी वगैरह जो किलोर करते थे उनका भी बहुत ही लाभ ग्रहण करते थे, और जो मनुष्य ज्वालामुखी भूकंप इत्यादि जो है वायु चक्रवात इत्यादि जो है उनसे जो भय प्रदा भय रखते हैं उसको नष्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्ष भी लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या कह रहे हैं। देखिए इसमें कह रहे सरितो गिरी निर्जराशः अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति वृक्षालताशः फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च वायु बाहु लेन सुमु पहरन्ति शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम वायु प्राण वायु वितरन्ति, यानी कि जो नदी है जो झरने हैं वो अमृत जो है जो पहाड़ों से जो झरने निकल रहे हैं और जो नदियां हैं वो अमृत क्या कर रही हैं, वो अमृत जल को जो है वो प्रदान कर रही हैं, अमृत जल को जो है वो हम सभी को स्वादिष्ट और अमृत जल है वो हम सभी को प्रदान कर रही हैं। वृक्ष लता भी लताश फला, वो वृक्ष जो है वो लता जो है वो पुष्प जो है मतलब हमारे लिए मतलब फल प्रदान कर रहे हैं और लताएं जो है वो पुष्प प्रदान कर रही हैं, और ईंधन और ईंधन के लिए मतलब जो लकड़ियां हैं वो भी हमारे लिए जो है वो वृक्ष प्रदान कर रही हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य जो चीजें हैं वो हमें सब क्या कर रहे हैं, वृक्ष लता आदि प्रदान कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती, यानी कि और वृक्ष में शीतल जो है वो हवा को शीतल और सुगंधित मतलब जो पवन है और औषधि से जो युक्त जो वृक्ष है उनके द्वारा हमारे लिए जो है वो शीतल पवन को प्रदान करती है, हमारी प्राण वायु जो है वो वृक्ष जो है वो सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुगंधित लताओं के जो है उसके द्वारा जो है वो हमें पर्यावरण के जो भी वृक्ष वगैरह है वो हमें प्राण वायु जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। देखिए परंतु स्वार्थाधनो मानवः इस्तः देवः पर्यावरणम् मद नश्यति, परंतु जो स्वार्थी जो मानव है वो पर्यावरण का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है, नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि
वस्तुनि नाश्यन्ति, और अपने छोटे से लाभ के लिए मनुष्य बहुत जो बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनको, बहुत जो पर्यावरण में जो वृक्ष इत्यादि जो चीजें हैं उनको अपने छोटे से काम के लिए मनुष्य जो है वो उनका नाश कर रहा है, उनको काट रहा है, उनको उजाड़ता जा रहा है। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातिते येन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो जायते। और जो कारखाने जो हैं हमारे जो यहाँ जो कारखाने जो है जिनसे जिनका जल जो है विशाला जल जो है वो नदियों में जा कर के मतलब समुद्रों में जा कर के जो उसमें जो जलचर जो है मछली इत्यादि कछुआ इत्यादि जो सर्प इत्यादि और जो मतलब जलचर जो जीव है उनको जो है नष्ट कर देता है, उनके प्राणों को हर लेता है। हमारे कारखानों से निकला हुआ जल जो है नदी समुद्र आदि में मिलकर जाकर के मिल जाता है और जलचर जो जीव है उनको मतलब नष्ट कर देता है, जिससे नदी जलमपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। और नदी का जो जल है वो फिर हमेशा जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखिए, वन वृक्ष निवे ने विवेकम छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय एन अवृष्टि ही प्रवर्धते। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि वन में जो वृक्ष हैं उनको मतलब अपने अविवेक के द्वारा मतलब उनको काटते हैं और व्यापार वर्धनाय एन अवृष्टि प्रवर्धते, और अपने छोटे से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इनको क्या करते हैं, इनको काटते ही चले जा रहे हैं, इनको मतलब इनका हरण ही करते चले जा रहे हैं। वन पश्यवश्यः शरणं शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। और वन में जो पशु पक्षी इत्यादि सिंह इत्यादि भालू इत्यादि और हाथी घोड़े इत्यादि जो जानवर हैं जो पशु हैं वो क्या कर रहे हैं, शरणों गांव जो है उनकी शरणों में आकर के उपद्रव कर रहे हैं, वहां पर आकर के गांव के लोगों का पशुओं का गाय इत्यादियों का क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। शुद्ध वायु रपि वृक्ष कर्तनात् सक टांगो पनोदा, और जो शुद्ध वायु जो है वो वृक्षों के काटने से क्या है, जो क्या हो रही है वो हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पा रही है, वो शुद्ध वायु की जो है वो हमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। एव हि स्वार्था धन मानव वे वेर वी कृति कृति मुप गता प्रकृति रेव तेषां विनाश करती सज्जाता। और अपने छोटे से स्वार्थ के लिए जो मानव जो है वो प्रकृति का धीरे धीरे विनाश करता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, पर्यावरणे विकृति मुपगते जायते, और पर्यावरण की जो है वो विनाश ही बहुत ही विनाश ही होता जा रहा है। विविध रोगा भीषण समस्या, और पर्यावरण के विनाश से ही पर्यावरण को मतलब हटाने से ही विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, भीषण समस्या अनेक प्रकार की समस्याएं हैं वो भी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तत् सर्वमिदानि चिंतनीयं प्रतिभाति, और
ये क्या है, सभी के लिए जो है वो बहुत ही चिंता का विषय है। सभी जो लोग हैं, सभी संसार के जो मनुष्य हैं, उन सभी के लिए पर्यावरण की जो कटाई है, पर्यावरण का जो विनाश है, पर्यावरण का जो कटाक्ष सभी लोग कर रहे हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। ये हमारे सभी के लिए क्या है, चिंता का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यारुवर्षवचनम्। क्या कह रहे हैं कि धर्मों की रक्षा करना ही हमारा क्या है, हमारा ही धर्म है। ऐसा वचन कौन कहते हैं, ऐसा वचन ऋषियों ने कहा है, पर्यावरणम रक्षणमपि धर्मस्य भागमिति ऋषयः प्रतिपाद। और पर्यावरण का जो रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बांगमिति जो ऋषि हैं, उन्होंने इसका जो है वो प्रतिपादन किया गया है। ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए मतलब आगे लोगों को, संसार के सभी लोगों को आगे की ओर अग्रसर किया है। तत एव वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवालयतनम विश्राम गृह आदि स्था नपश्च। यानी कि और हम सभी बाबड़ी कूप तालाब इत्यादि निर्माण आदि का निर्माण करके देवालय मंदिर और विश्राम गृह जो है उनका इत्यादि का जो निर्माण करके हम जो है वो मतलब सभी के लिए, सभी की सुविधा के लिए हम जो है इन सभी चीजों का क्या करें, निर्माण करें। ठीक है बच्चों, मतलब इस हमारे जो ये जो पद्यांश है इसमें मानव जो है वो पर्यावरण का विनाश करता हुआ जा रहा है, पर्यावरण का नाश कर अपने छोटे से मतलब लाभ के लिए, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए वनों के पेड़ों का कटाई कर रहा है, अपना जो दूषित जल है वो नदियों में छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में जो कारखानों से निकला हुआ जो धुआं है वो मतलब वायु में जा करके और उस मतलब वायु को विषैली बना देता है, जिससे प्राणियों की जो है वो मृत्यु निश्चित हो जाती है और हमारे प्राणों के लिए बहुत ही हानिकारक विषय है ये। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, हम और हमारे जो ऋषि जो हैं वो धर्म की रक्षा के लिए सभी लोगों को, सभी प्राणियों को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके आगे देखिए, देखिए बच्चों, धर्म सिद्धि श्रोत रूपेणांगी कृतम। और ये सभी जो चीज है वो धर्म सिद्धि का जो है वो रूप से जो है वो अंगीकृत करने के लिए हमें बताया गया है। कुकुरः शूकरः सर्पणः सर्पणकुलादि स्थलचरा। यानी कि कुत्ता और शुगर सर्प और नेबला जो इत्यादि जो थलचर जो जीव हैं, जो जमीन पर चलने वाले जो जीव हैं, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयो जलचर राशि चापि रक्षणीयम्। और जो मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है इत्यादि जो जलचर जो है, जलचर जो जीव हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए, जिससे यतस्ते जलम पला पनो दिनो जलमला पहारिणश्च प्रकृति रक्षे वह संभवति लोक रक्षिते न संशयम्। यानी कि जिससे स्थल यानी कि जो थल पर जो है समुद्र आदि जो मतलब नदी समुद्र इत्यादि में मतलब जो अवशिष्ट जो पदार्थ है उनका जो है वो जल से क्या करते हैं, ये मगरमच्छ मछली इत्यादि सर्प नेवला इत्यादि जो मतलब जलचर जो जीव है वो जो उसमें जो अवशिष्ट जो पदार्थ होता है उसका क्या करते हैं, उसका हरण करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसके मतलब प्रकृति की रक्षा के लिए
प्रकृति की रक्षा के लिए वह भी संभव है। और लोक रक्षितम न संशय, और ऐसा जो है ऐसा करने से लोक की रक्षा होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो पर्यावरण का जो पाठ था वो हमने आज देखा है कि हमें पर्यावरण का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और पर्यावरण हमारे किस किस काम में आता है, हमारे जीवन के लिए पर्यावरण किस प्रकार लाभदायक है। अतः हमें हम सभी को मिलकर के पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें वृक्ष इत्यादियों का उपयोग करना चाहिए और शुद्ध वातावरण को हमेशा शुद्ध वातावरण रखना चाहिए और हमें हमेशा पर्यावरण के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। इसके बाद में हम इसके शब्दार्थ जो है उनको देखते हैं। पुष्णाति का मतलब क्या है? पोषण करना या पोषण का करोति या पुष्ट करना, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए अजात शिशु, अजात शिशु का मतलब हुआ है अजन्मा, यानी कि जन्म से पहले गर्भ में जो शिशु होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुपन्न जातक, यानी कि अजन्मा हुआ शिशु। कुक्षुहो, कुक्षु का मतलब होता है गर्भ में, ठीक है ना, या गर्भ में, ठीक है ना। इसके बाद में होता है जलप्लावने, जलप्लावने का अर्थ होता है दोस्तों जलोघे, जलोघे मतलब बाढ़ से, ठीक है। इसके बाद देखिए बात्या चक्रे है, यानी कि बात्या चक्र का मतलब क्या होता है? आंधी या अंधर, या बात चक्र है, ठीक है ना। आंधी या बवंडर जो होता है ना, एकदम से आंधी आना, उसको बोलते हैं हम बात्या चक्रे। लोक मंगला शशिन, यानी कि समाज के कल्याण की कामना के लिए, जनता के कल्याण को चाहने वाले जो हैं वो, उनके लिए क्या क्या है? लोक मंगला शशिन, यानी कि जनता के कल्याण को चाहने वाले। स्रोत रसायनम, और कर्णामृत, स्रोत रसायन कर्णामृत, यानी कान को अक्षा लगने वाला, ठीक है ना। स्रोत रसायन मतलब है कान को अक्षा लगने वाला, या कर्णामृतम, कर्ण अमृत, अमृत यानी अच्छा, कर्ण यानी कान, ठीक है। इसके बाद में गिरी निर्झरा, गिरी यानी पर्वत होता है, पर्वताना प्रताप, यानी पर्वत पहाड़ों से निकलने वाले जो झरने हैं उसके बारे में हमारे ही मतलब शब्दार्थों में हमारा बताया गया है, ठीक है बच्चों। ये हमारे यहाँ पर शब्दार्थ हो गए। इसके बाद में देखते हैं देखिए बच्चों यंत्र, देखिए बच्चों यंत्रागणानाम, यानी कि इंत्रालय या कारखानों से निकला हुआ जो धुआं हम बता रहे थे ना, वो अपेयम यानी कि पातुम, अयोग्यम यानी कि न पीने योग्य, यानी कि जो पानी पीने योग्य नहीं हो उसे हम अपेयम कह देंगे, ठीक है। इसके बाद में और भी शब्दार्थ देख रहे हैं। वृक्ष कर्तनात, यानी कि वृक्षाणाम उच्छेदात, यानी पेड़ों को काटने से, वृक्ष कर्तनात के मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटने से। देवायतनम, देवालय या मंदिरम, ठीक है ना, इसका क्या होता है? मंदिरम। देवायतनम का मतलब क्या होता है? मंदिरम। स्थल मलाप नोदिनम, स्थल मलाप नोदिनम का मतलब क्या होता है? भूमि मलाप शारयः, यानी कि भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, स्थल की गंदगी को दूर करने वाले, ठीक है बच्चों। ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया? शब्दार्थ हो गए। इसके बाद हम देखते हैं उद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कि हमारे जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो संस्कृत भाषा में लिखने। ये हमारे जो पांच जो प्रश्न हैं वो आपको सभी इस पाठ के आधार पर इनका उत्तर देना है। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? स्वार्थांध मानव के करोति, स्वार्थ से जो अंधा जो मानव है वो क्या करता है?
पर्यावरणे विक्रते जाते किम भवति, पर्यावरण के विनाश से क्या होता है। अस्माभि पर्यावरणस्य रक्षां कथम, और हमें हम सभी को पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। लोक रक्षा कथम संभवति, लोक की रक्षा किस प्रकार संभव है। परिष्कृतम पर्यावरणम अस्माभ्यं किम किम ददाति, और परिष्कृत जो पर्यावरण है वो हमारे लिए क्या क्या चीजों को प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पर्यावरण के विषय में इस पाठ को, जो हमारा एकादश पाठ था हमारी पाठ्य पुस्तक शैमुषी भाग एक का, उसको आज हमने अध्ययन कर लिया है, और इसमें हमने इसके शब्दार्थों को भी देखा है, उसके पश्चात हमने प्रश्नों को भी जाना है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, आगे कक्षा में हम अन्य जो हमारे जो पाठ हैं, अध्याय हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।